क्रिस्ट ओलंपियाड, क्रिस्ट ओलंपियाड क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में यह ओलंपियाड करवाई जाती है, एग्जाम की डेट कब आती है, अवार्ड और रिवार्ड क्या रहता है, एग्जामिनेशन फॉर्म आप कब भर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर किस तरह के हैं, उनके सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारे चीज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इन सभी चीजों को जानने के लिए चलिए आते हैं इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जिसके लिए आप crystolympiad.com करके इंटर करेंगे गूगल पर जाकर, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप स्टूडेंट के द्वारा भी होती है और स्कूल के द्वारा भी होती है, मतलब इसका कि इंडिविजुअल बच्चे भी यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, इंडिविजुअल बच्चों का या स्कूल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। कई ओलंपियाड में सिर्फ स्कूल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहती है, जबकि यहाँ पर क्रिस्ट ओलंपियाड में दोनों मेथड रहते हैं। इंडिविजुअल बच्चे भी ओलंपियाड एग्जाम में रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए, या दूसरा स्कूल के द्वारा भी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब हम कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर एग्जाम होती है। मेनली यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये चार पेपर्स एंड कंप्यूटर्स की एग्जाम होती है। सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज यहाँ पर दिया गया है। क्लास जनरली क्लास KG से क्लास 10 तक के बच्चों की एग्जाम करवाई जाती है। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ये सारे क्लास 1 से 10 तक के सभी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जबकि मैथमेटिक्स क्लास KG के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अर्थात क्लास मैथ जो है KG से 10 तक के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस सब्जेक्ट KG से 10 तक के लिए है, इंग्लिश KG से 10 सब्जेक्ट के लिए है, रीजनिंग जो कि एक नया पेपर है। अदर ओलंपियाड में आप देखेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड एक अलग ही पेपर आता है जिसकी ओलंपियाड एग्जाम ली जाती है, जो कि क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट हमारा है साइबर अर्थात कंप्यूटर ओलंपियाड, जो क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट हमारा मेंटल मैथ ओलंपियाड भी यहाँ पे लिए जाते हैं, जो कि अदर ओलंपियाड में नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको मेंटल मैथ ओलंपियाड के नाम से एक अलग ही पेपर लिया जाता है, जो क्लास 1 से 9 तक के बच्चों के लिए ही रहता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ग्रीन बैरियर ओलंपियाड, जो कि क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड, यहाँ पे ड्राइंग ओलंपियाड भी लिए जाते हैं, जो क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। साथ ही स्पेल बी समर एंड स्पेल बी विंटर, जो कि इंग्लिश स्पेलिंग से रिलेटेड ओलंपियाड होती है, जो कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए करवाई जाती है। स्पेल बी क्लास 8 तक के बच्चों के लिए करवाई जाती है। यहाँ पर देख लेंगे 7th and 8th तक के बच्चों के लिए करवाई जाती है। और इंटरनेशनल टीचर्स ओलंपियाड क्लास वाइज आप यहाँ पर इससे डिटेल्स, क्वेश्चंस पेपर एंड पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आते हैं अब हम जान लेते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहती है इसकी। चलिए इसके एग्जाम डेट हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट कट ऑफ क्या रहता है, यहाँ पर एक चीज ये है ओलंपियाड बुक भी आपको मिल जाती है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और फ्री प्रिपरेशन मटेरियल्स भी आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड मेंटल मैथ, ग्रीन वॉरियर, इन सभी के आपको फ्री प्रिपरेशन मटेरियल्स कुछ मिल जाते हैं। बाकी डिटेल्स प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ से ओलंपियाड बुक परचेज करना पड़ेंगे, या फिर आप बाहर से भी परचेज करके उसके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस की जहाँ तक बात है, सिलेबस आपका जनरल जो क्लास की सिलेबस रहती है वही सिलेबस यहाँ पे आपके रहते हैं। एग्जाम सिलेबस आइए देख लेते हैं एंड एग्जाम डेट। एग्जाम सिलेबस में आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी सिलेबस हम देख लेते हैं। मैथमेटिक्स की सिलेबस है, जैसे नंबर्स, बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर,
playing number, addition, subtraction, putting sign, greater than, less than and equal to, time, day of week, month, year, shapes, square, rectangle, triangle, circle, oval, sphere, cone, cube, cylinder. अचीवर सेक्शन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट जो क्लास फर्स्ट का सिलेबस केजी का जो सिलेबस रहता है या क्लास फर्स्ट का वही सिलेबस यहाँ पर रहता है. देखिए सेक्शन वन एंड सेक्शन टू यही सिलेबस हमारा क्लास फर्स्ट के मैथमेटिक्स के सभी क्लासेस में रहती है. तो वही सिलेबस यहाँ पर भी ऑलमोस्ट रहता है. और डिटेल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी. चलिए अब इसके एग्जाम डेट के बारे में जान लेते हैं. एग्जाम डेट जो है यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है. ड्राइंग ओलंपियाड, मेंटल मैथ ओलंपियाड, कृष्ट साइंस ओलंपियाड, रीजनिंग ओलंपियाड, ये सारे जो है अभी आपके एग्जाम डेट्स जो है अवेलेबल हैं. एग्जाम आप यहां से भर सकते हैं. अवेलेबल यहां लिखा रहा है 24/7 यानी अभी इन सभी के एग्जाम के डेट खुले हुए हैं, आप दे सकते हैं. साथ ही आपको स्टूडेंट ओलंपियाड एग्जाम डेट ऑनलाइन अगर आपको भरना है तो भी यही डेट है अभी अवेलेबल है. साथ ही आप जो है टीचर्स ओलंपियाड एग्जाम डेट भी ऑनलाइन आप यहां से फिलअप कर सकते हैं. बुक यहां पर आपको अवेलेबल रहती है जो आप यहां से बुक परचेज करके कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहां पर रजिस्टर नाउ कर सकते हैं. स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आपका आ जाता है. यहां से फिलअप कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से कंट्री से हैं, व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड, इंटर रिकॉर्ड एंड जनरल जो फॉर्म रहता है उसी प्रकार से आप इसको भर के यहाँ पर क्रिस्ट ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. साथ ही कौन से सब्जेक्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है. अभी कि इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस 225 रुपीज है. कट ऑफ मार्किंग, अवार्ड, कट ऑफ जोन एंड कंडक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए हर सब्जेक्ट की किसी भी पेपर के आप दे सकते हैं एग्जाम जिसकी फीस है 225 रुपीज. क्रिस्ट ओलंपियाड जो ऑल बीज एग्जाम फॉर द रेसिडेंस और एनी प्लेसेस वेयर हैव टू एक्सेस द कंप्यूटर एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी. अगर आप इंडिविजुअल ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और जिसमें उसकी इंटरनेट की कैपेसिटी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. एंड स्कूल सब्सक्राइब डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जाम यूज देयर कंप्यूटर लैब. द एग्जाम कांट बी टेकन एनी मोबाइल डिवाइस. मोबाइल से आप इसकी एग्जाम नहीं दे सकते हैं. एंड आपके इंटरनेट की स्पीड 2 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. साथ ही इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स जो है एग्जाम में आपको किस तरह के क्वेश्चंस, एग्जाम शेड्यूल क्या रहेगा. तो यहाँ पर एग्जाम दो लेवल में होती है, लेवल वन एंड लेवल टू. यहाँ पर देख सकते हैं लेवल वन एंड लेवल टू एग्जाम होती है. कोई भी एग्जाम है जैसे कि इंटरनेशनल स्पेल भी एग्जाम कब हो रही है तो वो एग्जाम जो है आपकी दिसंबर में हो रही है. तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस शेयर करूंगी जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आप किस तरह बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. थैंक यू.